हेलो एवरीबॉडी, आज है शादी से पिछला दिन और जो मेरी वीडियो मैंने लास्ट फिनिश की थी उसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि फिर ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और देखने में फिर थोड़ा बोरिंग सा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको नेक्स्ट अपने इसमें करूँगी। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ सैलून में, मैट्रिक्स का सैलून था ये, और यहाँ पे मैं आई हूँ अपने हाइलाइट्स करवाने। मेरे साथ में बन्नू भी है क्योंकि सभी लोग बिज़ी थे, और निशान भी कुछ काम वाम में बिज़ी थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे बन्नू के साथ ही आ जाती हूँ कंपनी के लिए। तो बन्नू को लेकर आ गई थी अपने साथ। तो बस यहाँ पे हो रहा है मेरा हेयर वॉश। वैसे तो मैं अपना हेयर वॉश करके ही आई हूँ, मतलब मैंने आज से पिछले दिन किया था हेयर वॉश, पर फिर ये इनकी पॉलिसी है, ये बोलते हैं कि नहीं हेयर वॉश तो आपको करवाना ही पड़ेगा। भी हो सकता है कि कोई बोल दे कि हमने करवाया और करके आया हेयर वॉश और झूठ बोल दें, तो फिर इनके जो हाइलाइट्स हैं वो अच्छी तरह से नहीं होंगे, फिर हम इनको ब्लेम करेंगे मे बी, इसलिए ये करते होंगे। और बस यहाँ पे मेरा हेयर वॉश हो रहा है, फिर इन्होंने मेरे यहाँ पे लगाया था शैम्पू, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आपने मेरे कौन सा शैम्पू अप्लाई किया, तो ये बोल रहे थे कि मैट्रिक्स का ही शैम्पू अप्लाई किया, तो काफ़ी अच्छी फ्रेग थी इसकी। फिर बस यहाँ पर शैम्पू वैम्पू करवा के और फिर इन्होंने मेरे को अच्छी तरह से मेरा ड्राई किया, और अभी तक मैं थर्ड टाइम अपने जो हाइलाइट्स करवा चुकी हूँ, और यहीं पे ही मैंने करवाया था अपने जो दो मेरे पिछले टाइम तब भी मैंने यहीं पे करवाया था। अभी यहाँ पे मेरे हाइलाइट्स कर रहे हैं, और कलर इन्होंने मेरे से पूछा था तो मैंने इनको बोल दिया था कि थोड़ा लाइट सा ही रखना, बस तो वो ये सब मेरा चल रहा है। बच्चे मेरे बड़े ही हैं, आप सबको पता ही है, तो इसलिए मैं अपना फ्री होकर बैठी थी, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप बताना मुझे कि कैसा लगा, मैंने इस बारे थोड़े ज़्यादा स्ट्रीक्स करवाई थी। यहाँ पे हम लोग अपने घर में आ चुके हैं वापस, और इवनिंग का टाइम हो गया, हम लोग अपना अच्छे से रेडी रूडी हो गए हैं। आज मैंने ये वाला पिंक सूट पहना है। एस्तर भी यहीं पे बैठी हुई है, ये मेरे पास ही भटकती रहती है, प्यार बहुत करती है मेरे को ये। और एक और है मोना, इनके साथ मेरा कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है, तो मोना भी कहीं पर रेडी हो रही है इसलिए वो यहाँ दिख नहीं रही है। और ये बैठी है क्रिस्टल, क्रिस्टल से बात करते हैं, आ जाओ। क्रिस्टल किसकी शादी है, कब है? सब कुछ दीदी की शादी कब है क्रिस्टल? क्रिस्टल तूने क्या पहनना है कल? क्रिस्टल तूने शादी में क्या कल पहनना है? अपना सूट नवा सूट। हाँ जी। लहंगा? कन्नू ने पहना है ब्लैक सूट। और कल क्रिस्टल की शादी है, किसकी? हीरी क्रिस्टल, हीरी क्रिस्टल, हीरी क्रिस्टल। मेहंदी दिखाओ, मेहंदी मेहंदी शूज दिखाओ, मेहंदी। क्रिस्टल डांस के दिखाएगी, चलो क्रिस्टल, चलो वो गाने का लहंगा वाला गाना गा। एक दिन क्या चिकन, चल क्रिस्टल कटिया होता है कटिया, चल चल क्रिस्टल कर, क्रिस्टल क्रिस्टल इधर आ, क्रिस्टल क्रिस्टल भाग गई है, क्रिस्टल भाग गई है। अब इस तरह और ही गाना सुनाएंगे, चलो स्टार्ट। इको हील वाला स्टार्ट। इको हील दे नाल मैं कटिया एक साल वे, इको हील दे नाल मैं कटिया एक साल वे, मैनू कदे तले जा कर तू शॉपिंग मॉल वे, मेरे नाल दियां सब पल सजदियां रहदियां, आय हाय लाइट करा मैं मेरे घर अपने, तू सजदे ले सारे सूट बना फाइनली आ गया है शादी का दिन,
और ये शादी वाले दिन की सुबह की वीडियो है। और यहाँ पे रिवाज है कि जो मामा है वो चूड़ा पहनाते हैं, हम सपना को चूड़ा पहना रहे हैं दोनों। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ पिक्स शेयर कर रही हूँ और कई फ़ोटोज़ को मैंने हाइड कर दिया है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का माइंड मत कीजिएगा। और आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को कि सब लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं और कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारी पिक्स नहीं आनी चाहिए यूट्यूब पे, तो इसलिए मैंने अपने सभी रिलेटिव्स को यहाँ पे कर दिया हाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो लड़का है जिसकी शादी हुई है, और यहाँ पे मैंने और कनु ने भी एक पोज दे दिया था कि चलो हम भी क्यों पीछे रहे। यहाँ पे ये देखिए, ये है सपना जिसकी शादी थी, इसको हम प्यार से सप्पू बुलाते हैं। और सप्पू ने यहाँ पे ये जो गाउन पहना हुआ था ना, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ्लफी गाउन था, और इसके नीचे जो थी वो वायर थी, वायर के साथ इसको थोड़ा फ्लफी बनाने की कोशिश की गई थी, और बहुत प्यारा गाउन था ये। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए, आपके साथ शेयर की जाए, और ये रहे मेरे निशान। और जब सप्पू फेरा पानी आई थी तो यहाँ पे कन्नू ने और कन्नू की बड़ी जो दीदियाँ हैं उन सब ने मिल के यहाँ पे केक का अरेंजमेंट किया था, केक पे लिखवाया था वेलकम दीदी जीजू, और बस यहीं पे वो पिक्चर्स वगैरह हो रही हैं, हम उनको केक को खिला रहे हैं। तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।